Hi everyone, this is Hania Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. कैसे बनी थी राजा की रानी? हम दाजी से बात करेगा, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगा। फिलहाल इस घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम हॉस्टल चली जाओ। हाँ मुमानी जान, चला जाती। तुम ना खाला बनने वाली। Oh my God, जीहा क्या ये सच बोल रहा है? प्लीज मुझे बताओ, इसका मतलब अब तो ये बाहर भी नहीं जाएगी। कौन जा रहा है बाहर? भाई बीजान क्या हो गया? जिया जा रही है पढ़ने के लिए, कल फ्लाइट है ना इसकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाहना, अरे इस हालत में ये बाहर कैसे रहेगी, कौन इसका ख्याल रखेगा? जमशेद मियाँ, इसका टिकट फौरन कैंसिल करवाओ और ये बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। जिस ख्वाहिश से तुम्हारी आंखों में आंसू आए जिया, उससे मुझे खुशी कैसे हो सकती है भला यार? अब मुझसे ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ सबको। सब प्यार करते हैं तुमसे इसलिए मना कर रहे हैं यार। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो दम घोट दे इंसान का। बीजान ने कहा तुझे लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना है। आप अपने बेटे को ले जाए, मुझे नहीं जाना। नसलू तुझे क्यों लेके जाना लेडी डॉक्टर के पास? तुझे कौन सी जनाना बीमारी हो गई है? मम्मा गुस्से में क्या के गई है एमी तू? मासूमा तूने ना अब डटे रहना है, वो बहुत खा लिया जमशेद भाई उन्होंने जाके ते तेरा हिस्सा। बीजान भी तो माने ना। वो माने ना माने, तूने ना उंगली डाल के हलक से निकालने अपने पैसे। अब ऐसा क्या कह दिया परवीन ने? हाँ जी ये वही परवीन है ना जिसके आगे पीछे जलाल भाईजान तवाफ कर रहे थे तो तुम्हारे दिल में पांबड़ जल रहे थे। अब पीनो ने शगुफा छोड़ दिया तो तू भागी भागी आ गई साफ करने के लिए। जो भी है हिस्सा तो बनता है ना मेरा। अब देखो मासूमा, सबको पता है अब्बा जी का कारोबार कैसे आगे बढ़ाया मैंने। दिन रात मेहनत करके एक फैक्ट्री से तीन तीन फैक्ट्रियां खड़ी की हैं मैंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमशेद साहब, इसकी गवाही तो नजाकत पाई भी देंगे, दे गवाही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, मेरा दिल नरम है। सेहत से आगे कोई नहीं, ये मेरी आधी दवाइयां तू ले ले और बता क्या करूं मैं तेरे लिए। जो भी है नजाकत, बेस तो अब्बा जान के पैसों से ही रखी गई थी ना, सब कुछ तो उधर से शुरू हुआ था। हाँ तो जो बेस बनाई थी अब्बा जी ने उस वक्त का हिसाब किताब कर देते इसका, खोले पुराने खाते। तो इतने साल से जो मेरा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा था उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा नहीं बनता। कैसी बातें कर रही है मासूमा तू? ये ऐसी बातें कर रही है, जो पीनो ने पट्टी पढ़ाई है ना ये उसकी जबान बोल रही है। वो खुद तो अपने ससुराल वालों से आज तक हिस्सा ले नहीं सकी, इस शगुफे को हमारे पीछे लगा दिया है। आप लोग तो जानते ही है जलाल के खानदान वालों ने इतनी ज्यादती की है हमारे साथ। उस जाति का बदला तुम हमसे क्यों ले रही हो? मैंने तो अपने से हिस्सा ही मांगा है, अभी अब्बा जी जिंदा होते ना कसम से ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। भाई ये बड़ी अच्छी बात है, दुख झेले भी फाख्ता और अंडे खाए का, एक टका नहीं मिलेगा तुझको। अब तो मैं हिस्सा लेके ही रहूंगी, देख लेना आप सब लोग। आराम से बात कर लो, आराम से बात कर लो, मेरा दिल जा रहा है मैं इसकी गिच्ची में उड़ दूं जाके। भाभी सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रहने देना नजाकत पायन, तहम्मुल गया चूल्हे में, एक टका नहीं दूंगी मैं पेशावरी मखलूक को। किसको? वो मूछो वाले अफगानी नान को, जलाल भाईजान को। जिया की बच्ची ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, सेल चेंज कर रही हूँ। तो मुझे कहो ना मैं कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और आपको याद नहीं है आपने क्या कहा था? अब से तुम्हें अपने सारे काम खुद करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिया को किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था यार, ये क्या कर रही हो? अच्छा आराम से। हद दो। हटाओ, तुम्हें तो वैसे भी आदत है इंसान को आसमान पर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींचने की। तुम भूल नहीं सकती हो सारी बातें जिया, मैं भी तो भूल गया हूँ तुम्हारी खातिर खाए हुए वो दो थप्पड़। उसको तुम रहने दो, ये सब कुछ तुम्हारी बदनीयती का नतीजा है। बदनीयती की सजा इतनी खूबसूरत नहीं होती जिया, तुम मानो ना मानो ये बच्चा हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा, अब तुम भी एक्सेप्ट कर लो इस बात को। जिया क्यों अपने साथ साथ मुझे भी अज़ियत दे रही हो यार? अच्छा सॉरी, डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया ज्यादती कर रही हो अब तुम। तुम लोगों ने कौन सा इतना अच्छा कर दिया मेरे साथ? अच्छा नहीं करी, अच्छा नहीं करी, अच्छा नहीं करी। फायदा उठा रही है ये,
रही हो तुम? मेरे को मैं हजार बार मना किया ना, सीढ़ियाँ चढ़नी है ना उतरनी है इस हालत में। हाँ तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप मेरा कमरा नीचे शिफ्ट करा दें या तो इन सीढ़ियों के बदले को लिफ्ट लगवा दें। वो भी लगवा दूंगी, तुम जाओ ना रेस्ट करो, मुझे पानी चाहिए। तुम मुझे कहो ना, मैं ला देती हूँ। क्या मुसीबत है यार। मैना, क्या तुम मुझसे आज रात 12 बजे छत पे मिलने आओगी? ये ना था हमारा किस्मत के विसाली यार होती, होता ये ना था हमारा किस्मत के विसाली यार होती, अगर बारह बजे ये न था हमारा किस्मत कि विशाल यार होता, अगर और जीती रहती तो यही इंतजार होता। तिलका जिया, ये क्यों बुला रही है हमें छत पे? मुझे क्या पता क्या प्रॉब्लम है, जाकर देख लो ना। लेकिन जिया, जलाल मामू को पता चला ना तो वो हमें गोली मारने से पहले ये नहीं पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मैं ना, कोई किसी को गोली शोली नहीं मारता है, और वो तुम्हें छत पर ही तो बुला रहा है, कौन सा लंदन बुल? तो ये लंदन नहीं निकलता है दिमाग से, मतलब है कि वो छत पर ही तो बुला रहा है ना, जाकर खुद ही देख लो क्या है। हाँ हाँ, तुम परेशान नहीं हो, तुम खुद ही जाता है। सही कह रहे, छत पे तो बुलाए, कौन सा लंदन में बुला लो उसने। छड़ मेरी बाँ, ऐसा कौन सा शब खून मार दिया है मैंने जो हर कोई मेरे पास आ रहा है अपने गिले शिकवे की पोटली लेकर? परवीन, तुम्हें जलाल भाई के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी यार। तुम सारे मिलकर ना हमेशा से ज्यादतियां करते आओ औरतों पर। क्या क्या ज्यादतियां की हैं हम सबने? मेरा मुंह ना खुलवाई, वरना तेरा तो डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाना है। जो तेरे दिल में है ना, आज तू बोल दे। रहन दे नज़ाकत अली, तू तो वो है जो भी जान की चार जूतियां ही खाकर मोहब्बत से दस बरदार हो गया सी। रहने दे परी, क्यों पुरानी बातों को बीच में लेके आ रही? क्यों ना लेकर आऊं? क्यों भाई, मोहब्बत के लारे देकर और तूने बरात तो उसके घर ले गया ना, उस चुया नईमा के घर, और सारी उम्र तूने बीमारियां ही पाली हैं। देख परी, क्या फायदा इन बातों का? नजाकत अली, हुन तू वेख दस से नईमा नजाकत अली नू की कीता है मेरे साथ माजी एच। नजाकत, झूठ बोल रही? झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? और वो जो 365 खत लिखे थे हैं, उनका क्या हिसाब? और वो साई साई रात काले, और वो लाल परांदे, मुल्तानी गुस्से, सोने दिया वालियां तू अपनी मासी के लिए लेकर आया था, और वो जो नहर वाली पुल पे तू गडेरियां लेकर आया था, वो जहाँ पे बीजान ने हमें रंगे हाथों छापा मार के पकड़ा था। चुप कर जाओ। हाँ मैं चुप कर जाऊँ, तू मुकरता रहे। हाँ हाँ, देख लेना नजाकत अली, इस झूठ की वजह से ना तेरी कमर पर कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे ऐसा हिसाब लिया जाएगा तेरा कयामत वाले दिन, तू देखी। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगी। अंदर जाते ही ना ब्लड प्रेशर की गोली फांक लेना।
परी तू तो बना मिठी चूरी अपने मिठू दे वास्ते एना दस आपे ते कदी नहीं मुकने बेबे अजीब पुत्र है बेबे ओ ना चूरी थोड़ी ज्यादा बनाना मैना मैना के साथ शेयर करके खानी मां सके ते मां वारी क्यों नहीं और पुत्र कम ना जरा चुक के रख है टाइम कम ते मुकाबला सख्त है शाबाश मेरी मैना मैना मैं आ गया अभी क्या है यह सूप है इस पे देसी यखनी भी है मुर्गी की माने भेजी है नहीं मुझे नहीं पीनी मैं जो खाती हूँ मुझे उल्टी हो जाती है दो मिनट में जिया इस कंडीशन में नॉर्मल है कोई बात नहीं नहीं तुम्हें कैसे पता है तुम्हें इतना एक्सपीरियंस कैसे है मैंने ना नेट पे आर्टिकल पढ़े थे कुछ तुम्हारे लिए हाँ अपने मतलब की सारी चीजें तुम्हें पढ़ना आती है बहुत अच्छे से दबा जा अच्छा ये पियो ना ताकत वाली चीज भेजी अम्मा ने बताऊंगा उन्हें फिर माइंड करेंगी वो हाँ पर रख दो पानी पीने जिया मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा नौकर नहीं हूँ इधर रख दो उधर रख दो प्यार से लाए हूँ एक तो हाँ असल तुम्हें पता है ना मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे मजदूर बहस करूँ मेरे पेट में दर्द है खाने को दिल कर रहा खाया नहीं जा रहा उल्टी हो जाती है फायदा क्या खाने का तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास मेरी दर्द हो मैंने जान करके रख दिया थोड़ा एक चम्मच नहीं डॉक्टर को बुला लूं नहीं मैं चला जाऊं नहीं बीजान एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है तौबा है इस घर में तो जैसे मसले ही मसले हैं अब बताओ अब क्या हुआ है मैं ना आपके लिए एक वीडियो ना एडवांस लाया हूँ बेटा मना किया है कि ये बहुत बुरी बात होती है ऐसे मत किया करो अरे बीजान एक बार देख तो ले जा जल्दी से अपने माँ बाप को बुला के ला जी बीजान नहीं मामा जाओ देखो ऐसा कुछ नहीं है वो माजी की गलती थी और जो मैंने की भी नहीं थी सिर्फ एक गलती और वो गलती तुम दोबारा दोहरा रहे हो इसी घर में मेरी मौजूदगी में नहीं तुम्हारी गलतफहमी और कुछ भी नहीं है हाँ हाँ मेरी तो आंखें नहीं है मैं अंधी हूँ मैं देख नहीं सकती और मेरे कान बहरे हैं मैं सुन नहीं सकती तुम तो किचन के पीछे भाईचारे पर डिस्कशन कर रहे थे ना इतनी लंबी कहाँ जा रहे हैं आप जहन्नुम में और बात सुनो सारे कपड़े पैक करो हम जा रहे हैं मामू की तरफ हमारे इस घर में कोई नहीं है जी आप ही को भी ले चले बकवास जो मैं कह रही हूँ जाके करो नहीं माँ इस घर में हमारी बेटी है दामाद है क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में यही सोचेंगे कि चलता फिरता हॉस्पिटल है और रंगीन मिजाजी और रूज पर है जिनके सामने कैसी बातें करी हूँ सोशल मीडिया चलता फिरता जाओ ना जिया को बुला कर लाओ उसे कहो कि मैंने जरूरी बात करनी है मैंने जिस काम के लिए था आप दोनों वो भी सुन ले जीजा ना आप लोगों को बुला रही है पता चल गया मैं क्या करूंगा मैं सारी खाऊंगा मैं बीजा सब Thank you.
इसमें तो वाह तरीके हैं। सुभान अल्लाह आंटी गूगल। वाह जी वाह। हाँ ना लाला, वो दरअसल हॉस्टल का मसला हो गया था ना, तो जलाल मामू अपने घर ले आया ना। मड़ा लाला, हम अपने में किए बगैर वापस नहीं आएगा पे खबर। अच्छा लाला, आप हमारा एक काम करो ना, दाजी को मना लो हमारे लिए। हाँ लाला। अच्छा लाला, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदे पैमान। रात 12 बजे ना आप ना मेरा छत पे वेट करना, मैं ना जी भूल मत जाना। ये मिट्टू क्या लिवाने मैसेज पे मैसेज कर रहा है। नहीं, यहां से नजर नहीं पड़ेगी। यहां लगाता हूं। यहां से सीधी नजर पड़ेगी। सर क्या कर रहे हो? तुम उठ गई? ये देखो बेबी कितना क्यूट है ना। क्या है ये? बेबी? वो मुझे भी नजर आता है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? असल में ना डॉक्टर्स कहते हैं कि इस कंडीशन में ना एक मिनट, ये किन डॉक्टर्स की फजूल बकवास एडवाइस और ये कंडीशंस की बातें सुनकर तुम इसे यहाँ लेकर आए हो? जी हाँ। अच्छा एक काम करते हैं, तनी से बात करेंगे, पता क्या नेक्स्ट जनरेशन पे असर होगा हमारी। ये देखो सुनेंगे ना, अंदर सुनेंगे। हाँ? क्या ये तमीज से क्या मुराद थी तुम्हारी? मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुस्सा आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आप कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कह लो। असल नहीं आला पे जाते मुझे ये आपके राग यार। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, वैसे तुम मुझे समझा रहे हो। अच्छा। तुम्हें आप बोलती रहो, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोया नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे खाया नहीं जा रहा। और मैं अच्छा, ना तुम्हें आप मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और से बात कर रही हूं। जी ओके ओके, आप क्या कर रही हो? इंसानों की तरह नहीं आ सकता क्या है ये? जंगली जी, आप जल्दी चले मेरे साथ। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर करते हुए तेरी जुबान पे छाले पड़ते हैं जी। आप यहाँ मेरे साथ बाहर चलने पछले बात है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। बेटा मसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तू इस दुनिया में आया था। ये देख लो जिया, अगर चची ने तस्वीरें ऐसी लगाई होती ना तो कसम से ये ना पैदा होता। मैं तो अभी लगा रहा हूँ। ओए क्या है जी? आप तो मेरे साथ चले, वो जो ताया अब्बा और बिल्लू आंटी वाला सीन था ना, वो फिर से ऑन हो गया है। क्या फजूल बातें कर रहे हो? पर आंटी की वजह से ना अम्मा घर छोड़ के जा रही है। पूरी बात किया करिए, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में तेरी फेंटी पड़ेगी किसी दिन मुझसे। अम्मा घर छोड़ के जा रही है परिंदी की वजह से और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ये क्या सीन है? रुको मैं जाके देख। ओ ठहरो ठहरो ठहरो, तुम नहीं जाओगी नीचे, सीढ़ियां नहीं उतरनी जिया, इस कंडीशन में सीढ़ियां नहीं उतरेंगे। असल तुम चुप कर, अजीब रौला लगा के रख दिया है, सीढ़ियां नहीं उतरनी, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। यार क्या तुम अजीब इंसान हो, तुम पागल हो, तुम घर के साथ मिल गए हो, क्यों सीढ़ियां नहीं उतरनी है चढ़नी है? जब कमरा ऊपर है तो सीढ़ियां उतरेंगी और चढ़ेंगे, लॉजिक है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है? हील तो नहीं पहनी ना? हील नहीं पहननी, सीढ़ियां। जिया तबीयत ठीक है? जिया मेरी लूंगी इस घर में।
क्यों तुम क्यों जाओगी घर छोड़ के? मैं निकालूंगी उस फूलन देवी को यहाँ से। आप सोचिए बीजा ने इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? बीमारी की पोटली की बीवी हो तुम, इसे तो ख्याल नहीं है, मगर बेटा तुम ही ख्याल कर लो इसके बुढ़ापे का। आप समझाए ना अपने बेटे को। देखो नजाकत, जिस दबी राख में से तुम चिंगारी निकालना चाह रहे हो ना, इससे ना सिर्फ तुम्हारा हाथ जलेगा बल्कि मुंह भी काला होगा पूरे खानदान में। कुछ नहीं किया बीजा, कुछ भी नहीं किया, ये सब ना मेरे खिलाफ साजिश है, ये मुझे तड़पा तड़पा के बीमार करना चाहते हैं बीजा, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप माने या ना माने बीजा, इन साजिशों के पीछे ना एक आशना का हाथ है। नीमम मेरी तरफ क्यों देख रही है? मुझे पता था कि ये बगैर पर की परी कोई ना कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। ओ हो सकता है पीनो ने मजाक किया हो, मजाक ही करी होगी, है ना नजाकत भाई? अच्छा बिल्कुल वैसा मजाक जैसे बिल्लो ने किया था जमशेद भाई के साथ, याद आया कुछ? अब देखो नीमम, मुझे बीच में मत घसीटो आप प्लीज। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं नहीं आऊंगी इस घर में। और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि उस परी को मैं आज ही गुजरात वाली ट्रेन में चढ़ाऊंगी और तुम कहीं नहीं जाओगी, और ये मेरा हुक्म है। आप लोग ना फिक्र ना करें, इस पीनो का टोला तो मैं खुद उठा के आती हूँ। तो पहले उठाना था, इतनी देर क्यों लगाई है? बिजन मुझे ना तारे नजर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से। क्या हो गया पागल? तो कहा है ना, देखा क्या इशारे कर रहे हैं आप? वो इशारे इसलिए करता है ताकि बीजान के कमरे में जो गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस होता है, हम जानना चाहते हैं उसका एजेंडा क्या है। कम से कम जायदाद की तकसीम नहीं हो रही है, इतना तो हमें पता है। वो तो हम गर्दन पर अंगूठा रख कर भी ले लेंगे। घाटना दे अंगूठा ये मैं तो अस्तग़फ़ार। सलू पुत्र एक काम कर, खोता गाड़ी साइकिल ट्रेन जो जी भी मिले ना उसके ऊपर ना दो टिकटें बुक करा गुजरात की, अपनी परी खाला और उसकी वो फखरिया पेशकश मिठू के लिए, और रवाना कर। अब मैं उसके खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती यहाँ पे। कमाल करते है तुम भी, वह तुम्हारा इंसाफ पर है, वो परिजन हमारा तरफ है तो तुम्हारे दिल में मरोड़ उठता है। एक बात आप भी याद रख ले भाभी जान, परिजन को तो हम इधर से जाने नहीं देगा। ज्यादा फन्ने खान बनने की जरूरत नहीं, वरना पेशावर की बस में ना दो सीटें आपकी भी बुक करा दूंगी मैं। वाह जो तुम मर्जी करो, अब तो मौत का फरिश्ता ही हमको इस घर से निकालेगा, हम अपना हिस्सा लिए बगैर इस घर से एक कदम भी नहीं निकालेगा। हाँ तो फिर यकीन कर ले जलाल भाईजान के, मौत का फरिश्ता ना बहुत जल्द आप पे नाजिल होने वाला है। हाँ ताई जी आप इस चीज को छोड़े, मुझे बताएं अम्मा कहाँ है? अरे वो तो तत्ते तवे पे बैठी हुई है, जाके ना ठंडे पानी के छींटे मार उसके ऊपर। हाँ मक्खा पीनो की बातों को दिल पे लेके बैठ गई। आप भी जरा समझाएं परी आंटी को, ज्यादा ऊंची आवाज में उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या बिलाते तुम लोगों को क्या? अगर परी ऊंची आवाज में उड़ता है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, बताओ हमको? क्या हो गया पापा, छोड़े ना आप। हम बस करने को तैयार है बच्चे, लेकिन इनको भी तो बोलो ये बस करें, तुमको तो पता है ठोपक समा कानून। चुप शा। शाबाश, कुछ और नहीं हमने किया, इनको पछतर जरूर सिखाया। आप माने या ना माने मेरा दिल दुखाने की सजा मिली है आपको, मैं बता रही हूँ। ये ताना रह गया था वो भी तुमने मुझे दे दिया। याद नहीं है आपको जब मेरे बाहर जाने वाला मामला हुआ था तो कैसे आप अरसल की साइड पर हो गई थी, उसकी पार्टी में हो गई थी? मैं तुम्हारी माँ, उस सब जो मुझे ठीक लगा ना वो मैंने कर दिया। हाँ तो अम्मा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ जस्ट लेट इट गो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आज तक तुम्हारे बाप ने दो बोल प्यार के नहीं बोले मुझे। गिफ्ट गिफ्ट तो क्या, एक छल्ला तक नहीं लेके दिया उसने मुझे। अब अम्मा ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है ना। जी बेटा,
मेरा ना वो ब्लड प्रेशर चेक कर दो, वो मेरे ख्याल है उस ड्रॉर्स में है या हाँ, वो उस वाले ड्रॉर में है। नहीं, एक मिनट आप जाए ना यहाँ से निकाले, परी के पास जाए, वो चेक कर देती है आपका ब्लड प्रेशर, जिसका नाम सुनती आपकी धड़कन तेज हो जाती है। जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं माँ, बेटी के सामने कैसी बातें करी, बेटा समझाओ। आप खुद तो पहले समझ लें और फिर जब खुद समझ जाएं तो आप इन्हें खुद देखा, अल्लाह ने सजा दी। नहीं माँ, तुम्हारे सर की कसम अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब समझ आ रही है, मेरे सर की तुम झूठी कसम खा रहे हो ना, तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं और तुम जाके उसी यंग बेवा से शादी कर लो। नहीं माँ, मुझे मेरे बच्चों की कसम, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा, अगर नहीं यकीन तो तुम मर के देख। नहीं माँ, तुम ठीक हो जाएगी, तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तुम खाओ दवाई, जिसे झूठ नहीं बोलते वो दवाई खाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। चलो तुम यहां हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूं। एक बात बताओ, वैसे ये चचा नजाकत बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। आखिर चचा किसके हैं? अरे ऐसे कैसे, भतीजे ने तो जिससे शादी की है डंके की चोट पे की है, पूरी दुनिया से लड़कर शादी भी कर लाया है और उसी लड़की के ख्वाबों का खून भी कर दिया। जरा ये भी तो ऐड करना मुनासिब समझे ना यार, ये तुम ना। अच्छा प्रॉमिस, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी ना तुम्हें भेज दूंगा, कम से कम तुम्हारी निशानी तो होगी ना मेरे पास। और उस निशानी का पाकिस्तान में ख्याल कौन रखेगा? अम्मा रखेंगी, और कौन रखेगा। अच्छा मुझे बताओ कि चची का गुस्सा ठंडा हुआ? नहीं, बस सही है, बेहतर है, लेकिन आई होप वो घर छोड़ कर ना जाए। चचा और अब्बा ने काम पूरे किए। ओए इधर, इधर सल भाई। ये क्या है? तो वो कुछ नहीं सल्लू भाई, वो बेबी ने सामान मंगाया, मैं ना बेबी को दे के आया, आपसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये किन चक्करों में? I don't know, लेकिन शायद मैना से मुलाकात भी चाहिए। ये बड़ा शुभ वक्त है, चल रहा है तो अरसल बेटा, अगर बाहर जाओ ना तो मेरी मेडिसिन ला देना ब्लड प्रेशर की। चाचा ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आए हो? मेरा मतलब है कि चले मैं लेके आता हूँ। बेटा जल्दी ले आना, मेरा ना दिल घबरा रहा है, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है नाम तुम्हें। किसका? मेडिसिन का बेटा। अच्छा अब्बा, अगर आपको कुछ चीज चाहिए, जूस बना दो कुछ। नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तो है ही खराब, जल्दी जाना बेटा। जी अब्बा। तुम मजाक उड़ा रही हो? ये हमारे सामने बीमार बनते हुए बता रहा हूँ। बदतमीजी नहीं करो और जाओ अब्बा की दवाई लेकर आओ, मजाक करना बंद करो। ओए सुनो। हाय हाय, बखा मेनू, ए भी बखा ना बेबे, छोड़ दे मेरे शॉपर दा पीछा, वैसे भी तू मेरा एक पहला शॉपर चुक के ले गई है। अन्ने सारे दिए, पैसे कथों आए? ले बेबे, तूने तो कल मेनू पैसे दिते ने, भूल गई वो 1000 रुपए का कड़कता नोट। 1000 रुपए दे दिए ले आए हैं, करना की है? तेरे मकबरे पे जलाने इसने ये दिए। भाई तेरा बेड़ा तर जाए पीनो, तूने किसी को मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मस्ती की हो गया तनु? तू ना यहाँ से गवर्नमेंट गॉन हो जा, शक्ल घूम कर अपनी, चल दफा लफाफे लेके आया वड्डा। और तू पीनो बोरिया बिस्तरा जो ना अपना समेट और निकल जा गुजरात फौरन। तू समझ के इस घर के मकीनों से तेरा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया। ना पर क्यों शाना, शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसे के हवस ने तुम्हें सारे रिश्ते बुलवा दिए, ऐसे निकालते हैं किसी को घर से। आए तू चुप कर जा मसूमा, तुझे नहीं पता इसने क्या करतूत खोले। क्या इसने 100 आदमियों का कत्ल कर दिया है? परी जी को हमारे होते हुए इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जलाल भाईजान जरा आराम से बात करें, आप मुझसे, आप इस घर में पुराने ही लगते हैं। मौका है अपना माल मंडी ना उठाए सारी और चले करो करी निकले। ओ भाभी जान, ओ भाभी जान, जरा हल्का हो जाओ,
आफ्टर ऑल हम भी इस घर का इकलौता दामाद है, और दूसरी बात ये है जब तक हमारी जौजा मोहतरमा को इसका शरई हक नहीं मिल जाता जायदाद से, हम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। और प्रवीण तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम हमारी मेहमान हो। खुदा का कसम जन्नती औरत है हमारा बीबी, कुर्बान। बस परिजन, मासूमा ने कह दिया अब तुम हमारे साथ रहेगा। फिक्र ना करो खान साहब, जब तक मेरे मिठू का ब्याह नहीं ना होता मैं तो एक कदम नहीं हिलाऊंगी इस घर से। ये जो सांझ की हांडी है ना, इंशाल्लाह भी चौराहे पे फूटेगी, याद रखना। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आओ परिजन, आओ। तुमने बहुत गलत किया सर, तुम्हें इस तरह का ताना नहीं देना चाहिए था अब्बा को। मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहा था? तुम्हारा और अब्बा का कौन सा मजाक वाला रिश्ता है, मुझे भी तो जरा पता चले। या तुम तो हर बात को ना सीरियसली ले लेती हो। नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीरियसली है और वो थे तो। आज तक पछता रही हूँ मैं। क्या क्या क्या, तुम शादी से पछता रही हो? ये सिर्फ एक चीज तुम्हारी पूरी नहीं हुई, उसको बेस बना के तुम सबसे खफा फिर रही हो। ये जो औलाद होती है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है खुदा की, इतना नाशुक्रा नहीं होना चाहिए बंदे को। जिया पुत्र, सल्लू पुत्र आ जाओ। जी जिया पुत्र, देख मैं तेरे लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक बना के लेकर आई हूँ। लो स्ट्रॉबेरी, मैं तेनूं ठीक ही नहीं करना अम्मा। तेरी माँ तो पता नहीं क्यों रुस के फिर रही है, मैंने सोचा मैं ही दे हूं अपनी दी को, है नहीं। और तू सल्लू पुत्र, कल से ना फैक्ट्री जाना शुरू कर दे लगातार, इतने हिस्सेदार निकल आए हैं, पता नहीं हमारे लिए कुछ बचता भी कि नहीं बचता। ठीक है माँ। तेरे कोई कपड़े हैं प्रेस के, है वो मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। तूने आज के बाद जिया को कोई काम नहीं कहना। मैं खुद कर लूंगा अम्मा। चल जी कर, प्रवीण को देख के आती हूँ, सुबह से ना टेंशन में फैल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। ताई जी थैंक यू। याशियां लगी हुई हैं, याशी। बहुत जाए पियो। नहीं माँ, नहीं माँ, दरवाजा खोल दो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी मेडिसिन भी अंदर है। नहीं माँ, दरवाजा खुला रखना। देख ले परी, मेरा मतलब है प्रवीण, अब तू ना मेरे साथ ज्यादती कर रही है। ये उस ज्यादती से बहुत काम है जो तूने इतने साल पहले की थी, हैं? लाइयां किथे थे, बधाइयां किथे? माफ कर दे, माफ कर दे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये समझाएं जरा अपनी कसम को, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाय नजाकत भाई, समझाने और समझने से ना ये बहुत आगे निकल चुकी है, इसने ना आंखें अपनी चुक के माथे के ऊपर लगा ली है। बड़ा ऑपरेशन करा के थले डालनी पड़ेगी। देख छन्नो, तेरा और मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन जलाल भाईजन को जो तूने जमीन से उठा के पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया है, उसके पीछे जो तेरे अजायम है ना, उनको मैं चंगी तरह जानती हूँ। तो दे दे ना बेचारी मासूमा और जलाल साहब को उनका हिस्सा, नाग बन के बैठ के उस सारी जायदाद पर। ओ परीजन, तुम इसका टेंशन मत लो, हमने वकील से बात कर लिया है। तुम ये कॉपी पियो, अपने हाथों से तुम्हारे लिए कर्म कॉपी बनाए। शुक्रिया। अरे अपने हाथों से बना के लाया, माल भी हमारा खाना है, सब कुछ हड़प जाना, हमारे सर पे बैठ के नाचते रहना, और वो जो दादजी हैं आपके चंगेज खान पेशावर में, उनसे ना अपना हिस्सा मांगना। तुम हमारे दादजी का फिक्र नहीं करो, वो हमको माफ कर देगा। बस तुम हमारा हिसाब किताब साफ करो, चल। जलाल भाई जाना, आपका तो मैं वो हिसाब किताब करूंगी ना कि सारी दुनिया देखेगी, और बच्चों आप तो याद रखेंगे। नीमा जो है ना बेवकूफ है, इसने दरवाजा नहीं खोलना, तू आके हमारे कमरे में सो जा, आ जा देख लूंगी आपको। सुन लिया होगा उसने सब, मारेगी मुझे पकड़ के। ये हमको देखेंगे साहब, आप है ना, घबराना नहीं है। स्नान पर तो हमारा साथ नसने कुर्बान। ओ
मिट्टू बेटा नजर नहीं आ रहा। हाँ तो सोचिए ना उसके बारे में, अपना कलम कली बेवा, उसका ब्याह कौन कराएगा? कौन करेगा? हम करेगा, और कौन करेगा? बस एक मतलब को जायदाद का हिस्सा मिल लेने। इंशाल्लाह, आमीन। शुक्रिया। खूबसूरत लिखी आपने नाम हमारा। बिल्कुल हमारी खास दोस्ती की तरह मैना जी। वैसे मैना जी, मैंने ना सुबुक्तगीन भी लिखना था, दिए ही मुक गए। वैसे मिट्टू, नाम मुश्किल नहीं है आपकी थोड़ी सी? मैना जी आप कहती हैं तो बदल देंगे। हमारी खातिर? आपकी खातिर मैना जी, क्योंकि मुझे लगता है। क्या लगता है मिट्टू? मैना जी, ये गजब खुदा का, माँ घर के अंदर आग लगा रही है और बेटा घर के बाहर। वो तो शुक्र करो शाहाना कि फायर ब्रिगेड बुलाए बगैर आग पे काबू पा लिया। सर कौन सा काबू पाना था फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए? वो छोटा सा दुपट्टा जला बीजान। और जो मेरा दिल जल रहा है वो, फौरन इस परवीन को मेरे घर से बाहर निकालो। हाय बीजान, मैं जब भी कोशिश करती हूँ वो जलाल भाईजान उसके सामने दोबारे चीन बन के खड़े हो जाते हैं। ये जलाल तो जलाल, मासूमा का भी दिमाग खराब हो गया भाई। ये पैसा है ही बहुत बुरी चीज। शाना बेटा, तुमने बात की है परवीन से? मैं क्या बात कर लूँ आगा जी, वो तो घर में शेरनी बांध के घूम रही है, किसी की एक सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो लगता कोई नवा कट्टा खोलेगी। यानी हमारे घर में हमारे होते हुए दादागिरी? बेटा ऐसा करो, तुम जाके परवीन से बात करो, तरीके से बात करोगी तो समझ जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अरे जी बीजान जी, तौबा, शुक्र है शाहजहान के तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, वरना इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रहना था। अरे कुछ नहीं होता मुमताज, तुम छोटी छोटी बातों को अपने सर पे सवार मत किया करो। फिलहाल तो ये परी मेरे कंधों पर सवार है बमाए चार बंदरों के। अब ये शाहाना गई है, तुम देखना ये सारा मामला ठीक कर देगी। तुम फिलहाल शेरी और किंजा से बात कर लो, बहुत फोन कर रहे हैं बेचारे। जरा ये मसला हल हो जाए फिर करूंगी उनसे बात सुकून से।